दोस्तों, अगर आपने नकली बाबा सीजन 1 के सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले अब जाके उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरीके से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, और वीडियो समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को देखने का मज़ा ही नहीं रहेगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि स्लेंडरमैन किस तरह से बिल्ली बिल्ली रॉड और फैन को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बाइक से एकदम अपने स्टाइल में स्लेंडरमैन को वहीं पर ढेर कर देते हैं। बचा लिया और बिल्ली बिल्ली को उसने पकड़ा था। ये तो आपको बताई जिंदा बच गया और खूनी सिख को भी बाबा ने मार कर बेहोश कर दिया, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था। और फिर बाबा सिलेंडर मैन को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी नकली बाबा अपने शक्तियों से बाबा को बेहोश कर देता है और इन लोगों को लगता है कि बाबा मर चुके हैं, लेकिन असल में बाबा मरे नहीं होते हैं। और सिलेंडर मैन बाबा को मारने जा ही रहा होता है कि तभी बाबा हवा में उड़ने लगते हैं और आसमान में कहीं गायब हो जाते हैं। और तभी बाबा एकदम कूल तरीके से आसमान से नीचे आते हैं और एक ज़बरदस्त एंट्री के साथ नीचे उतरते हैं अपने सुपर एक्सट्रीम मोड में। और ये स्लेंडर मैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बाबा उससे भी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए बाबा अपनी सारी शक्ति से स्लेंडर मैन को उसके बाद बाबा अपने बाबा करते हैं और नकली बाबा भी वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन नकली बाबा भी मरा नहीं है और सरपटा के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर डांस करने थोड़ी देर डांस करने के बाद गुल्ली और बुल्ली खूनी पिक के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो दोनों गुस्से से खूनी पिक को घूरने लगते हैं। लगता है अब खूनी पिक के साथ कुछ कांड होने वाला है। और वही तभी देखते ही देखते गुल्ली खूनी पिक को मारने लग जाता है और खूनी पिक की सुताई स्टार्ट हो जाती है। गुल्ली खूनी पिक को मार ही रहा होता है और इधर शॉन भी नकली बाबा के पास आकर खड़ा हो गया है। शायद ये नकली बाबा को मार मार कर नकली बाबा से बदला लेने वाला है। शॉन को लगता है कि नकली बाबा मर चुका है और वह दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। यही सोचकर शॉन नकली बाबा को मारने जा ही रहा होता है कि तभी नकली बाबा को होश आ जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो शॉन को पकड़ लेता है। और शॉन नकली बाबा को देखकर काफ़ी ज़रा डर चुका है। आखिर नकली बाबा शॉन के साथ करने क्या वाला है? अरे ये क्या चीज़ है, ये तो एक पोर्टल लग रहा है, लेकिन ये आखिर कहाँ का पोर्टल है और नकली बाबा शॉन को उस पोर्टल में क्यों ले जा रहा है? अरे ये क्या, ये तो पोर्टल भी बंद हो गया, अब क्या होगा अब शॉन का? और इधर गुल्ली और बुल्ली को पता ही नहीं है कि शॉन को नकली बाबा ले जा चुका है और ये दोनों खूनी पिक को देख कर उसके मजे ले रहे हैं। उधर बाबा भी रॉड से बातें करने में व्यस्त हैं, इन्हें भी इस बात का पता नहीं कि शॉन को नकली बाबा ले जा चुका है। और बाबा रॉड से बोलते, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और रॉड बोला, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो मेरा पर्स था। और इधर बुल्ली गुल्ली के साथ खूनी पिक को देख रहा होता है, तभी वो शॉन को ढूंढने लग जाता है और उसे शॉन भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर भी बुल्ली हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन जब उसे शॉन कहीं नहीं दिखाई देता तो फिर वो गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली आखिर शॉन गया क्या, तुम्हें पता है क्या? ये सुनकर गुल्ली बुल्ली से बोला कि नहीं बुल्ली, मुझे नहीं पता, अभी तो यहीं था वो, आखिर इतनी जल्दी यहाँ से जा कहाँ सकता है ये। शॉन के गायब होने की बात बाबा और रॉड को भी पता चल चुका है। शॉन के गायब होने की खबर सुनते ही बाबा और रॉड भी गुल्ली बुल्ली के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद बाबा गुल्ली से बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली, मुझे लगता है कि ये जरूर इस पापी पिग ने ही कुछ किया होगा उन लोगों के साथ, चलो इसे मार मार कर पूछो। और बुल्ली भी कहता है, हाँ बाबा ठीक कह रहे, चलो मार मार कर पूछो। और इसके बाद खूनी पिक की सुताई स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। इन लोगों की मार खा खा कर खूनी पिक बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पर भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। और इसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली से बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली मुझे लग रहा है कि खूनी पिक ठीक कह रहा है, शायद इसने कुछ नहीं किया है, मुझे तो लगता है कि नकली बाबा दोबारा से जिंदा हो गया और उसी ने शॉन के साथ कुछ किया होगा।
गुल्ली बोलता, हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं। ये सुनकर गुल्ली कहता है कि अगर बाबा ठीक कह रहे हैं तो फिर सोहन गया कहाँ, आखिर नकली बाबा दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है, वो तो मर गया था ना, और अब हम लोग सोहन को कैसे बचाएंगे, हमें तो पता भी नहीं कि आखिर सोहन कहाँ है। तो दोस्तों क्या होगा अब सोहन का, क्या ये सारों मिलकर सोहन को बचा पाएंगे या फिर नकली बाबा सोहन को मार देगा, और आखिर नकली बाबा कहाँ गया है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।